हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, तो मेरी खाटू श्याम की जर्नी देखने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। घर से निकल कर कुछ ही देर में हम लोग देसगांव से सनावत पहुँच जाते हैं। देसगांव से सनावत के बीच के व्लॉग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि बस में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सनावत से कुछ देर आगे जाने पर हम लोग मोटका पहुँच जाते हैं, जहाँ पर नर्मदा माता के दर्शन करते हुए हम लोग कुछ देर में मोटका पुल से होते हुए बड़वा पहुंच जाते हैं। बड़वा पहुंच कर हमारी बस पंचर हो जाती है, तो ये भैया उन बस का पंचर बना देते हैं और वहाँ से कुछ देर में निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग बस में गाना बज रहा था तो उसके आनंद लेते हैं और कुछ देर में हम लोग घाट पर पहुंच जाते हैं। ये घाट से होते हुए हम लोग सिमरौल पहुँच जाते हैं और सिमरौल पुलिस थाने को देखते हुए कुछ देर में हम लोग हमारी बस आगे बढ़ते हुए इंदौर एंटर हो जाती है। तो इंदौर में एंटर होते ही तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं और यहां से खाटू श्याम के लिए हमारी बस 7 बजे तक आएगी। तो मिलते हैं इस ब्लॉग के सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए। तब तक ही भैया हमें यहां पर वेट कर वेट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहीं पर टिकट बुक करवाया था, तो हमारी बस 7 बजे आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद भैया हमें ऑटो से हमारे लोकेशन पर पहुँचा देते हैं। तो कुछ ही देर में हम हमारी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बस आने वाली रहती है। तो कुछ देर में हमारी बस भी आ जाती है, तो बस देखकर हम लोग बस की तरफ जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका सेकेंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे।